एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक साथ ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। हाथी भैया, ये बंदर आजकल ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा क्या? उड़ने दो, वो कभी मुझ जैसा ताकतवर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी भैया, अगर आप चाहो तो एक झटके में ही इसकी अकल ठिकाने ला सकते हो। चूहा लोमड़ी और हाथी की सारी बातें सुन लेता है और तुरंत बंदर के पास जाता है। बंदर भैया, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी बाहर आओ। चूहे की आवाज सुनकर बंदर पेड़ों की डालियों से लटकता हुआ आता है। कहो मेरे नन्हे दोस्त, क्या खबर है? बंदर भैया, कुछ चालाक लोमड़ी और हाथी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि हाथी ने तो ये भी कहा है कि बंदर कभी मेरे जैसा ताकतवर नहीं बन सकता। क्या उस मोटे ने ये कहा? अब तो उसको सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। बंदर और चूहा हाथी की तरफ जाते हैं। अबे मोटे, खुद को ज्यादा ताकतवर समझता है क्या? ताकतवर समझता नहीं, मैं ताकतवर हूँ, पतली हड्डी। बहुत बड़ी गलतफहमी में है तू मोटे। देखना, तेरा सारा घमंड एक दिन मैं तोड़ कर रहूंगा, समझा? इससे पहले मैं अपनी सूंड से तुमको पकड़कर इस जंगल से बाहर फेंक दूं। उससे पहले मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाथी और बंदर का झगड़ा बढ़ता देख वहाँ पर उल्लू आ जाता है। रुको, तुम दोनों किस बात को लेकर इतना झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? उल्लू भैया, इस बंदर को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बेवकूफ कहीं का, समझाओ इसको। लगता क्या है, बंदर भैया तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। बंदर भैया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। हाँ तो हाथी भैया भी किसी से कम नहीं है, वो भी पलक झपकते ही पेड़ को कब उखाड़ कर सेब देते हैं किसी को पता नहीं चलता, समझा ना? चुप हो जाओ चमचो, लड़ाई इनकी है या तुम्हारी? सुनो हाथी और बंदर, तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, इस बात का पता एक कंपटीशन से लग सकता है। कैसा कंपटीशन? क्या करना होगा? तो सुनो, इस जंगल के पार एक और जंगल भी है और उस जंगल में एक सोने के फूल वाला पेड़ है। जो भी उस फूल को पहले लाएगा वो विनर होगा, यानी कि विजेता, और उससे तय हो जाएगा कि सबसे ताकतवर कौन है। हाथी और बंदर ने उल्लू की बात सुनते ही अपनी अपनी फुर्ती दिखानी शुरू कर दी। बंदर पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता जा रहा था, तो दूसरी तरफ हाथी जोर जोर से भागता हुआ जा रहा था। उसके रास्ते में कोई भी पेड़ आता वो उखाड़ता चला जा रहा था। ये कंपटीशन तो मैं जीत कर रहूंगा और उस हाथी के घमंड को तोड़ कर रख दूंगा। इस कंपटीशन को जीत कर मैं साबित कर दूंगा कि सबसे ताकतवर मैं हूँ, बंदर नहीं। जंगल खत्म होते ही एक नदी आ जाती है, जिसको पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में कोई जा सकता है। अरे ये तो नदी आ गई, इसके बारे में तो उल्लू दादा ने कुछ नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, इसको पार करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बंदर जोश में आकर नदी में कूद जाता है। हेल्प मी प्लीज, मुझको कोई बचाओ। हाथी भी नदी के किनारे पहुंच जाता है और बंदर को डूबता देख उसको अपनी सूंड में पकड़कर बाहर निकाल लेता है। अरे बंदर भैया, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुमको? हाँ हाथी भैया, मैं ठीक हूँ। मैं इस कंपटीशन को हार गया हूँ, आप आगे बढ़ सकते हैं और इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। अरे नहीं बंदर भैया, हम साथ में आगे बढ़ते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं नदी पार करता हूँ। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों नदी पार कर लेते हैं।
और सोने के फूल वाले पेड़ को ढूंढने लग जाते हैं। और कुछ टाइम बाद सोने के फूल वाले पेड़ को ढूंढ लेते हैं। हाथी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पेड़ नहीं गिरता। बंदर भैया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये पेड़ मुझसे गिर नहीं रहा, क्या करूं? अरे हाथी भैया, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ, देखना इस फूल को हम लेकर जाएंगे। बंदर डालियों पे लटकता हुआ उस सोने के फूल को तोड़ लेता है। हाथी और बंदर खुश होते हैं और वापस जाते हैं। ये लो लू दादा, सोने का फूल। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तू इस कंपटीशन का विनर है बंदर। रुको उल्लू दादा। क्या हुआ? उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, इस जंगल में हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। इस कंपटीशन को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है, हमारी समझ में ये आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग होता है और खास होता है। हमने भी ये फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी किसी भी बात पर बहस नहीं करेंगे और हमेशा मित्र बनकर रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी में अपनी कमजोरियाँ भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।